हम बोलते थे कि डायरेक्ट सेलिंग, अरे कोई भी कर सकता है, आज भी कोई भी कर पाएगा, प्रोवाइडेड 1 2 3 4 5 6 7 8 लॉ के हिसाब से नॉर्म्स करने पड़ेंगे तो कर पाएगा। समझ में आ रहा है? क्लैरिटी आ रही है? सो एम्बिग्यूटी निकलने वाली है। चलो कैसे निकलेगी देखते हैं। मैं डेफिनेशन से शुरुआत करूंगा। व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग? अभी ये मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग में लिया है और कभी ना कभी एज ए एमसीएम आपने ये ट्रेनिंग अटेंड किया ही रहेगा। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग ये प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब क्या है? प्रोडक्ट को वितरित करने की एक प्रणाली है, राइट? तो इसमें कितने एंटिटी इन्वॉल्व होते हैं? पहला, अगर ये प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है तो इसमें पहला क्या होता है? कंपनी, जिसको वो क्या बोल रहे हैं? डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी। दूसरा क्या होता है? डायरेक्ट सेलर। और तीसरा क्या होता है? तो हमें हमारे सिस्टम में ये तीन एंटिटीज क्लियर कट डिफाइन करने पड़ेंगे। हमारा डेफिनेशन तो क्लियर है, वी आर डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी। अभी कंज्यूमर कौन है और डायरेक्ट सेलर कौन है, आप बताओ मुझे, कौन कंज्यूमर है हमारे इधर? कंज्यूमर कौन है? यूजर, जो प्रोडक्ट। और फिर डायरेक्ट सेलर कौन है? हाँ, जो बेच रहा है। अभी आप डिफाइन कर सकते हो क्या आपके नेटवर्क में, आपके टीम में? मैं अगर आपको पूछूं, मुझे बताइए आपके टीम में डायरेक्ट सेलर कितने हैं और आपके टीम में कंज्यूमर कितने हैं, बताओ, बता पाओगे क्या? बस यही चेंज। समझ में आ रहा है? हमें ये बताना पड़ेगा अभी कि ये डायरेक्ट सेलर है, ये कंज्यूमर है। लॉ यही बोल रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं बोल रहे लॉ। गलत बोल रहे क्या? गलत बोल रहे क्या? कंज्यूमर को कंज्यूमर रहने दो, उसको बिजनेस प्लान मत दो। डायरेक्ट सेलर को डायरेक्ट सेलर रहने दो, उसको जैसा चाहे वैसा बिजनेस प्लान दो। सिंपल, दिस इज द लॉ। अपने इधर गड़बड़ क्या है? कौन कंज्यूमर, कौन डायरेक्ट सेलर, कैसे आप बता सकते हो? नहीं बता सकते। तो हमें हमारे वर्किंग पैटर्न में जो चेंज करना पड़ेगा वो यही होगा कि कंज्यूमर अलग चाहिए, डायरेक्ट सेलर अलग चाहिए। क्योंकि डेफिनेशन क्या बोलता है? डेफिनेशन क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में तो तीन एंटिटी है कंपनी, डायरेक्ट सेलर, कंज्यूमर। वी वॉन्ट टू डिफाइन कंज्यूमर सेपरेटली, वी वॉन्ट टू डिफाइन डायरेक्ट सेलर सेपरेटली, कंपनी इज ऑलरेडी डिफाइन सेपरेटली। अगर बदलाव, लोग बोलते हैं कि बदलाव आ जाएंगे इंडस्ट्री में, बदलाव नहीं है, ये क्या है? ये डेफिनेशंस हमें क्लैरिटी देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। हु इज कंज्यूमर, हु इज डायरेक्ट सेलर, कंज्यूमर क्या कर सकता है, डायरेक्ट सेलर क्या कर सकता है, इसके लॉज है। समझ में आ रहा है? तो चलो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम जाते हैं, इसी सिक्वेंस से जाते हैं। पहले कंपनी के लिए क्या लॉ है देखते हैं, उसके बाद डायरेक्ट सेलर के लिए क्या लॉ है देखते हैं, उसके बाद कंज्यूमर के लिए क्या लॉ देखते हैं। क्लियर? क्योंकि लॉ के डॉक्यूमेंट में बीच में डाय कंपनी आती है, एकदम से कंज्यूमर आता है, एकदम से ही आता है। तो हमने क्या किया है? बाइफर्गेट किया है ताकि अंडरस्टैंडिंग आपका क्लियर हो। क्लियर? चलो तो लेट्स लुक एट कंपनी। कंपनी मतलब कौन? डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी मतलब हम, हमें क्या क्या करना है। वेरी गुड। कंपनी क्या है? कंपनी इज द प्रिंसिपल एंटिटी विच सेल्स और ऑफर टू सेल गुड्स और सर्विसेज थ्रू डायरेक्ट सेलर। उन्होंने डेफिनेशन क्या दी है हमारी? कंपनी किसको बोला जाएगा? डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी किसको बोला जाएगा? डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी और कंपनी इज बेसिकली अ एंटिटी which will sell or offer to sell goods or services। इसका मतलब, इसका मतलब यह हो गया
कि प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं और सर्विसेज भी बेच सकते हैं। तो एक बात ध्यान में रखिए, जो गाइडलाइन आए थे और जो लॉ आया है उसमें फर्क है क्या? बहुत ज्यादा। 2016 में गाइडलाइन आए थे, राइट, और जो लॉ आया है इसमें फर्क है क्या? है, 100% फर्क है, क्योंकि वहां पे सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट बोला गया था, यहां पे क्या बोल रहा है आपको? सर्विसेज भी चलेगा। क्लियर? आगे चलते हैं। तो मैं कुछ हाइलाइट्स लूंगा, हाइलाइट्स रिक्वायर्ड फॉर डीएससी, मैंडेटरी चीजें, रिक्वायरमेंट क्या है डीएससी के लिए, मतलब कंपनी के लिए। सबसे पहले, इट हैज टू बी लीगली एस्टैब्लिश्ड एंटिटी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट ऑफ लीगली एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, यस, वी आर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो लीगली एस्टैब्लिश्ड कंपनी कौन सी होती है आपके इंफॉर्मेशन के लिए? प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है, लिमिटेड हो सकती है, LLP यानी लिमिटेड लायबिलिटी फॉर्म हो सकती है, पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है। दीज आर लीगली एस्टैब्लिश्ड कंपनी। हम है क्या? है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंडेटरी मेंटेनेंस ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हमें करना पड़ेगा, MOA, AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दिस इज ऑलरेडी देयर विद अस। कभी भी कोई भी लाइसेंस अगर हम निकालते हैं प्रोडक्ट का, HP में लाइसेंस निकालते हैं, GST निकालते हैं, ये सबमिट करना ही पड़ता है। रेडी। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑलरेडी है, PAN हमारे पास है, TAN। TAN क्या होता है? हम आपका TDS डिडक्ट करते हैं। TDS डिडक्ट कब करवाएगा कोई भी? जब वो TAN हमारे पास TAN नंबर रहेगा। समझ में आ रहा है? सो कर रहा है क्या हमारे पास? उसका आपको क्रेडिट मिल रहा है क्या अभी तक? कब से मिल रहा है? 21 साल से। टेंशन मत लो। है GST ऑलरेडी है, जितने स्टेट में नेक्सस ऑलरेडी काम कर रहा है सब जगह नेक्सस का GST रजिस्ट्रेशन डन है। जितने भी SPs स्टॉक पॉइंट है वो डिफाइंड है ऑलरेडी GST में कि यहां से प्रोडक्ट सेल होता है। इसलिए बहुत बार जब MCM आप में से कोई बोलता है कि यहां पे एक SP चाहिए, तो अकाउंट डिपार्टमेंट की तरफ से डिले होता है SP अपॉइंटमेंट में। किसी लोगों ने कुछ कुछ देखा रहेगा, अरे हमें जल्दी SP चाहिए, दे क्यों नहीं रहे, स्टॉक आ गया फिर भी प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है? होता क्या है, हर SP को हमें GST में रजिस्टर करने की हमारे पास सिस्टम 2001 से है, गवर्नमेंट अभी बोल रहा है। वी आर कंप्लाइंग कब से? जब से शुरुआत हुई है तब से, बिकॉज वी आर अ कॉर्पोरेट एंटिटी। प्लीज अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट नेटवर्कर्स, किसी नेटवर्कर ने चार्ट की हुई कंपनी नहीं है। जिसको कंपनी चलाना आता है ऐसे लोगों ने कंपनी स्टार्ट की है। ये समझवा, ओके। इनकम टैक्स रिटर्न कंपनी के बहुत है, हर साल का अवेलेबल। GST रिटर्न, बैलेंस शीट ऑडिट, ओके। नेटवर्क का ऑडिट रेगुलर बेसिस पे पिछले 21 सालों से हो रहा है, जहां पे हम डिटेल ऑडिट करते हैं। तो अगर आप कभी ऑफिस में आते हो ना, नेटवर्क की हेड ऑफिस में, सेकंड फ्लोर का एक कॉन्फ्रेंस रूम है, जो हम डायरेक्ट सेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बैठने के लिए मना करते हैं। हम बोलते हैं आप फर्स्ट फ्लोर के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि सेकंड फ्लोर का कॉन्फ्रेंस रूम में कोई ना कोई ऑडिट कंपनी का चालू रहता है, क्योंकि वी आर ट्रांसपेरेंट, हमें कोई चीज छुपाई नहीं है। तो हमारे इधर ऑडिट रेगुलर बेसिस पे, सभी ऑडिट जो इन्होंने नहीं बोला है वो भी हम ऑडिट करते रहते हैं। लिस्ट ऑफ रजिस्टर ऑफ डायरेक्शन, तो कंपनी को अभी मेंटेन क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट सेलर का रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी कर सकते हैं, हम कर सकते हैं क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास आपका पूरा डेटा है, राइट? डिफाइन क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट सेलर कौन है? अरे समझ रहे हो क्या?
तो उसमें वो आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। बराबर है ना? तो आपको मदद करनी पड़ेगी सर, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है, समझ रहे हैं? लिस्ट ऑफ डायरेक्ट सेलर हमें मेंटेन करना है और उसका ऑडिट होगा कि वो डायरेक्ट सेलर के पास एज पर लॉ सब डॉक्यूमेंटेशन है या नहीं है। क्लियर? वेरी गुड, आगे चलते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस, इफ गुड्स आर इंपोर्टेड, तो हम भारतीय कंपनी है, भारतीय कंपनी है, मेक इन इंडिया, हमारे सभी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में है, हम सभी प्रोडक्ट भारत में ही बनाते हैं, हाँ, लेकिन फिर भी हमारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस है। क्यों लगता है हमें वो? क्योंकि कुछ प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल एंड कुछ प्रोडक्ट के पैकेजिंग मटेरियल ये इंपोर्टेड है। एग्जाम्पल के तौर पे रंगदे इंडियन प्रोडक्ट नहीं है, रंगदे का एक भी इंग्रीडियंट भारत में नहीं बनता क्योंकि इतने सोफेस्टिकेटेड है रॉ मटेरियल वहां पे यूज किया गया है जो इंडिया में उस क्वालिटी का नहीं मिल रहा है, तो हम कहां से लेके आ रहे हैं? बाहर से। पैकेजिंग रंगदे का ही ले लो, रंगदे का पैकेजिंग इज प्योरली इंपोर्टेड पैकेजिंग, इंडिया में नहीं बनता। एकदम सिंपल एग्जाम्पल लेता हूं, रंगदे में क्यों ले रहा हूं? क्योंकि लेटेस्ट है, बाकी प्रोडक्ट का एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। पैकेजिंग रंगदे का, लिपस्टिक का पैकेजिंग देखा है आपने? राइट yes. उस लिपस्टिक के पैकेजिंग पे एक औरत का डिजाइन है, उस टेक्नोलॉजी उस टाइप का प्रिंट करने के लिए उसको बोलते हैं 3D प्रिंटिंग। क्या बोलते हैं? 3D प्रिंटिंग। भारत में ये प्रिंटिंग अवेलेबल नहीं है, तो हम ये प्रिंट करने के लिए बाहर भेजते हैं, प्रिंट करके वापस लेके आते हैं। क्यों? क्वालिटी प्रोडक्ट देना है हमें, कुछ भी कॉम्प्रोमाइजेस हम अभी तक ना करते थे ना करेंगे, हम हमारे तरफ से बेस्ट देंगे। क्योंकि आपको अगर आपने 3D प्रिंटिंग आपको समझ में आएगा, वो लिपस्टिक को अगर आप ऐसा हाथ लगाओगे आपको समझ में आएगा ये 3D है, दिस इज 3D प्रिंटिंग। इंडिया में टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, समझ में आ रहा है? नेचुरल मोर 95% ऑफ द इंग्रेडिएंट्स आर इंपोर्टेड, इंडिया में नहीं बनते, वो प्योरिटी के इंग्रेडिएंट इंडिया में मिलते नहीं है हमें। आप जब हम आपको बोलते हैं 60% प्रोटीन कंटेंट है, 50% प्रोटीन कंटेंट है, 5 अलग अलग प्रोटीन सोर्सेस है, वेगन प्रोटीन सोर्सेस है, वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेस है, क्योंकि हमने 5 सोर्सेस यूज किया ना प्रोटीन के। अरे जानते हो कि नहीं जानते? हाँ, मतलब आप ऐसा सोच लो, अच्छा मैक्सिमम में 5 है तो है। तो ये इंडिया में नहीं बन सकते, उसकी कैपेबिलिटीज उतना प्यूरिटी हमारे क्वालिटी चेक से वो जाता ही नहीं है, अटक जाता है, तो हम इंपोर्ट करते हैं। क्लियर? तो डू वी हैव इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस? यस वी हैव। FSSAI लाइसेंस है, लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन अंडर ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट, यस, जितने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है वो कॉस्मेटिक एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है, जितने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। ये हमने किया है क्या? कब से? जब से प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तब से, ये बोलने की जरूरत नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेडमार्क, जितने भी ट्रेडमार्क हम यूज करते हैं प्रोडक्ट के, कौन से हैं? बायोफिट, नेचुरामोर, हर्ब्स एंड मोर, रंगदे, क्लीन एंड मोर, किसके हैं, कब से है? जब से लॉ आया तब से नहीं है, जब से प्रोडक्ट बनाया तब से है। प्रोडक्ट बनाने से पहले हम ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं और फिर प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि वो ब्रांड को हम बड़ा करना चाहते हैं। ब्रांड को बड़ा करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि डायरेक्ट सेलर का काम आसान हो और यही बिजनेस करे हमारा आपका अगला जनरेशन, भाग के नहीं जाना है ना भाई। अपना ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं है ना, छापो भागो। ऑब्जेक्टिव क्या है? लॉन्ग टर्म चलाना है, नेचुरल और ये बड़ा ब्रांड करना है। कितना बड़ा करना है?
भारत का सबसे बड़ा नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा कर रहा है, रत्न सबसे बड़ा कर रहा है। तो हर एक ब्रांड के लिए हम मेहनत करते हैं, और ये डॉक्यूमेंटेड है क्या? 100% डॉक्यूमेंटेड है। इतना ही नहीं, हमारे जितने टूल्स हैं, फास्ट ट्रैक ट्रेडमार्क है नेटसब का, रजिस्टर ट्रेडमार्क, क्लब नेटसब, रजिस्टर ट्रेडमार्क ऑफ नेटसब। कल उठ के कोई दूसरा कंपनी फास्ट ट्रैक नाम से नहीं लेके आ सकता। कब से किया है? जब लाया उसके पहले से। तो ये हमें हो गया है, इट इज डन ऑलरेडी देयर। ये बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर वर्किंग विद अ प्रॉपर कॉर्पोरेट सेटअप। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम ही नहीं है, ये ऑलरेडी है, हमें खाली प्रिंट निकाल के देना है। समझ रहे हो? आगे चलते हैं। प्रोडक्ट सर्विसेज शुड बी ओन्ड बाय डीएससी। प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन, आईपीआर, ट्रेडमार्क एंड ब्रांड नेम शुड बी इन द नेम ऑफ डीएससी। ऑलरेडी बताया, तो आईपीआर क्या होता है ये भी बता देता हूं मैं आपको। अभी नया वर्ड है आईपीआर, क्योंकि प्रोडक्ट का ओनरशिप प्रूव करने के लिए आईपीआर लगता है। आईपीआर मतलब क्या? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आईपीआर किसको बोलते हैं? नेचर वर्क का फॉर्मुलेशन किसने बनाया? हमने बनाया। हफ्सर वर्क का फॉर्मुलेशन किसने बनाया? रखने का फॉर्मुलेशन किसने बनाया? हमने बाहर से चोरी करके लिया नहीं, ये हमारा खुद का फॉर्मुलेशन है। समझ रहे हो? आईपीआर किसके पास है? नेटसर्व के पास है। एग्जाम्पल दे देते, चलो अभी हम एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर हमारा आरएनडी टीम काम कर रहा है। अभी ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है इसका फॉर्मुलेशन हमने बना दिया है, लेकिन ये फॉर्मुलेशन को सेट करने के लिए एक प्रोसेस लगता है। क्या लगता है? प्रोसेस। अभी वो प्रोसेस का पेटेंट गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आईसीआरए, पूसा में है। जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं उनको पता रहेगा आईसीआरए पूसा बहुत बड़ा गवर्नमेंट का रिसर्च सेंटर है एग्रीकल्चर का, उनके पास है। तो हमारा ऑलरेडी उनके साथ डिस्कशन क्या चल रहा है कि ये प्रोसेस आप हमें यूज करने के लिए दो। ओके, वी विल डू प्रॉपर एग्रीमेंट फॉर आईपीआर एक्सचेंज। तो जहां जहां पे ये चीज होती है कॉर्पोरेट लेवल पे आईपीआर एक्सचेंज के एग्रीमेंट्स होते हैं, और ये सस्ते बिल्कुल भी नहीं होते हैं, करोड़ों में जाते हैं। क्यों करते हैं लेकिन हम ये? ताकि हमारे डायरेक्ट सेलर को एक क्वालिटी प्रोडक्ट मिले। बाकी कंपनियां प्रोडक्ट लॉन्च कैसे करती है? बताने की जरूरत नहीं, आप बहुत होशियार हो, आप समझ सकते हो, आप बहुत इसमें क्या बोलते हैं माहिर हो, बहुत बड़े खिलाड़ी हो, आपने 10 कंपनियां ऑलरेडी देखी हैं। कैसा प्रोडक्ट आता है, किधर से आता है, कैसा लेबल चेंज होता है, कौन मैन्युफैक्चर करता है, किसका प्रोडक्ट है, वो पता नहीं रहता। लेकिन अभी क्या होगा, अभी हीरो हीरो डायरेक्ट सेलिंग का कौन होने वाला है? प्रोडक्ट। अभी नेटसब क्यों आगे जाएगा? क्योंकि नेटसब के प्रोडक्ट हीरो है, इसलिए नेटसब। अभी मैं करना क्या था, जिसका प्लान हीरो है, तो कोई भी आता था जबरदस्त प्लान लेके आता था। अभी जबरदस्त प्लान नहीं ला सकते, अभी तुम जबरदस्त प्रोडक्ट ला। अभी हमारा क्या बोलते हैं, हमारा पीछे अभी खेल,
अभी चलो, क्योंकि हम पहले से लीगल है ना, हमें पता है जबरदस्त प्रोडक्ट कैसे लेके आते हैं, हमें पता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्मुलेशन कैसे बनाते हैं, हमें पता है प्रोडक्ट का आईपीआर कैसे प्रोटेक्ट करना है, हमें पता है उसका ब्रांड बिल्डिंग कैसे करना है, ये हमारा एक्सपर्टीज है। जो हमें करने के लिए बोला है, वी आर एक्सपर्ट इन दिस, कब से 21 साल से भाई। तो जो हमारा एक्सपर्ट है मतलब क्या है, अभी होम पिच आ गया अपना, हाँ अभी आ गया, कोई डर आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, उससे भारी होगा अपना। समझ में आ रहा है, क्लैरिटी आ रही है, वेरी गुड, आगे चलते। डीएससी शर्मा प्रमोट पिरामिड स्कीम और मनी सर्कुलेशन स्कीम, इसके ऊपर मैं 2 मिनट लूंगा 100%, क्योंकि ये जो है ना, ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है मार्केट में। अभी पिरामिड किसको बोलते हैं, आपने अगर वो पिरामिड का डेफिनेशन लॉ में पढ़ा रहेगा तो वहां पर ये बोला गया है, एक शब्द आया है, अलग से शब्द आया है, उस शब्द का नाम है सब्सक्राइबर्स। पढ़ा है, बहुत लोगों ने पढ़ा रहेगा, नहीं पढ़ा रहेगा तो पढ़ लो, या आपको जरूरत नहीं लगी तो नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, क्योंकि वी आर नॉट डूइंग पिरामिड। ओके, तो सब्सक्राइबर मतलब कौन, सब्सक्राइबर मतलब कौन, मैं एग्जांपल देता हूं। ओटीटी प्लेटफॉर्म आजकल बहुत जोरदार चल रहे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म मतलब आप मोबाइल पे अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेते हो, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, लेते हो कि नहीं लेते हो, लेते हैं। तो जब आप उसका सब्सक्रिप्शन लेते हो, आप क्या बन जाते हो, सब्सक्राइबर। अभी एज अ सब्सक्राइबर आप वो प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, बराबर है ना, आके ना बेच सकते हो क्या, नहीं बेच सकते हो क्या, मतलब सब्सक्राइबर यानी कौन, सब्सक्राइबर यानी कंज्यूमर, सब्सक्राइबर यानी कंज्यूमर जो प्रोडक्ट सब्सक्राइब कर रहा है, यूज कर रहा है। अपने पास भी बहुत अच्छे लोग रहते हैं ना, जो हर महीना नेचर नंबर खाते हैं, आर दे सब्सक्राइबर्स, यस बट दे आर यूजर्स। समझ में आ रहा है, तो एक चीज यहां पर समझो, प्लान ये क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट क्या बोलना चाहता है, यूजर को हम बिजनेस प्लान का हिस्सा नहीं बना सकते। राइट है, आओगे राइट है, जो हमने बोला था पहले कि यूजर यूजर रहेगा, डायरेक्शनर डायरेक्शनर रहेगा, कंपनी कंपनी रहेगी, यूजर को हम बिजनेस प्लान का हिस्सा नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे, क्योंकि यूजर जो प्रोडक्ट लेगा वो प्रोडक्ट के दम पे लेगा, बिजनेस प्लान के दम पे नहीं लेगा। समझ में आ रहा है, तो अगर वो बिजनेस प्लान के दम पे नहीं लेगा मतलब क्या, हम ये नहीं बोल सकते तू अगर ऐसा इतना इतना प्रोडक्ट लेता है ना तो तुझे तेरा फास्ट्रैक मेंटर हो जाएगा, नहीं हो सकता। बेचना क्या है, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट बेचना है तो कंज्यूमर को हमें अलग रखना पड़ेगा, इस चीज को समझो। अभी क्या होता है, देव मैंने क्वेश्चन आपको पूछा था, आपके डायरेक्ट सेलर कितने, आपके कंज्यूमर कितने, बता सकते हो क्या, इसके बाद बता पाओगे, यू ऑल विल बी एबल टू शो कि मेरे नेटवर्क में मेरे टीम में कितने डायरेक्ट सेलर है और इतने कंज्यूमर है और कितने कंज्यूमर मेरे प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, इसलिए मुझे कमीशन मिल रहा है। समझ में आ रहा है, देखो लॉ आने के बाद एक चीज समझो, किसी भी इंडस्ट्री में जब लॉ आता है तो जैसे मैंने बोला कंसोलिडेशन होता है और ये कायदा है, ये लॉ है, तो ये सबके लिए समान रहेगा। एग्जांपल, आप किसी किराना के शॉप पे गए, राइट, आपने वहां से पार्ले जी का बिस्किट ले लिया, आप कंज्यूमर बन गए। अभी आप ये बोल सकते हो क्या कि ये पार्ले जी को मुझे बेचना है, क्योंकि वहां पे डिफाइन है वो दुकानदार है, बिजनेसमैन है, ये कंज्यूमर है। समझ में आया,
तो हमें भी डिफाइन करना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट सेलर है और ये कंज्यूमर बिजनेस प्लान का हिस्सा बनने वाला टेंशन जाने अच्छा है क्या अच्छा है अरे डंपिंग नहीं होगा कंज्यूमर प्रोडक्ट लाइन का हिस्सा बनता है तो हम क्या होता है अपना डंपिंग स्टार्ट होता है बराबर है ना इतना ले फिर एक हाथ एग्रीकल्चर वाला अपन पकड़ते हैं खेती किसान पकड़ते हैं उसकी रिक्वायरमेंट 50,000 की है सपोज अपन 1,00,000 रुपए चिपका देते हैं क्यों 1,00,000 रुपए का लेगा एक साइड से मैं करता हूँ दूसरे साइड से हो गया क्या मीटिंग चल वन नाइट टू डेज होटल में आराम कर ओके फाइटर अरे बेच कह रहे हो भाई समझ रहे हो क्या क्या बोलना है गवर्नमेंट अभी ये गलत है क्या हम सब जानते हैं ये गलत है गवर्नमेंट भी जानता है ये गलत है तो वो कैसे अलाउ करेगा इसको समझ रहे हो तो कंज्यूमर को हमें बिजनेस प्लान का हिस्सा वापस रिपीट करो क्या करना है हमें कंज्यूमर को बिजनेस प्लान का हिस्सा नहीं बनाना कंज्यूमर कंज्यूमर रहेगा डायरेक्ट सेलर रहेगा तो आपके नेटवर्क में दो एंटिटी रहेंगे कंज्यूमर डायरेक्ट सेलर अभी हम एज अ कंपनी ये बहुत सालों से बोल रहे हैं URL यानी कि आपको कोई तो ट्रेनिंग आपने अटेंड किया रहेगा कभी कभी हाँ तो यूजर कौन है रिटेलर कौन है नेटवर्क कौन है डिफाइन करो अभी तक हम नहीं कर रहे थे अभी सिस्टम ही ऐसा आएगा कि आप डिफाइन करो नहीं करो वो वैसा ही होगा समझ में आया अभी तक हमने आपको चांस दिया डिफाइन करने का दिया नहीं हुआ अभी हम लाएंगे सिस्टम ये यूजर ये आप ये डायरेक्ट सेलर ये यूजर कंज्यूमर क्लियर दूसरा मनी सर्कुलेशन स्कीम मनी सर्कुलेशन क्या होता है जब किसी को बेमतलब का पैसा दिया जाता है तो वो मनी सर्कुलेशन में आ सकता है बिना मतलब का पैसा मिल रहा है अपने इधर बिना मतलब का पैसा मिलता है क्या हाँ कभी कभी मिल सकता है मैं आ गया इधर अच्छा चल रहा है इधर अच्छा चल रहा है मैं घर पे आराम कर रहा हूं पैसा आ रहा है होता है कि नहीं होता है और अगर हम बोले तो वो क्या बनता है नहीं डायरेक्ट सेलिंग का यही मतलब है पैसे इनकम होना चाहिए ऐसे फंडे देते हैं कि लीवरेजिंग होना चाहिए तो ये जो फंडे देने वाली कंपनियां थी ना और नेटवर्कर थे ना इनको इस चीज में अभी जगह नहीं है लिवरेजिंग पैसिव इनकम गया 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 ऐसा कुछ नहीं होता यूज एंड रिकमेंड नहीं होता इट इज सेल इट इज नॉट रिकमेंड गवर्नमेंट क्या बोल रहा है सेल भाई सेल सेल करो बेचो जो भी कमीशन ले रहे हो वो कमीशन लेने के लिए मेहनत कर रहे हो नहीं कर रहे हो 100% कर रहे हो मुझे पता है आप सब लोग कर रहे हो कितने दिन तक फील करते हैं महीने 22-25 दिन मिनिमम कुछ कुछ लोग 30 दिन में 31 दिन करते हैं अरे करते कि नहीं करते इतना मेहनत हम करते हैं कि नहीं करते अरे हाँ के ना करते हैं ना तो उसको अभी हमें डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट मतलब क्या महीने के एंड में आपके पास डॉक्यूमेंट टाइप चाहिए कि मैंने
चार ट्रेनिंग प्रोग्राम लिए, 15 गेस्ट सेमिनार लिए, 20 1-to-1 कॉल किए। आप करते हो ऑलरेडी, लिखते हो क्या लेकिन इसको? कुछ लोग रहेंगे 100% भी डॉक्यूमेंट करते रहेंगे। देखो अभी धैर्य साहब है हमारे, ठीक है, हाँ धैर्य साहब ऑनलाइन सेमिनार लेते हैं, उनको आप पूछो कितने डायरेक्ट सेलर को कवर किया ऑनलाइन सेमिनार के माध्यम से, उनके पास फिगर है। वो बोलते हैं 2.5 लाख, 2.5 लाख प्रोस्पेक्ट को मैंने कवर किया। आप बोल सकते हो क्या? नहीं, ये आपको भी बोलना चाहिए ना। देखिए आप सेमिनार लेते हो कि नहीं लेते हो? अभी कौन बैठा है उधर, आपको पता है? नहीं पता है। वो बैठा हुआ था उसका क्या हुआ, आपको पता है? नहीं पता है। एक जगह सेमिनार लिया, उधर से लैपटॉप उठाया, दूसरे जगह में प्रोजेक्टर सेमिनार चालू अपना। अरे करते हो कि नहीं करते हो? मेहनत कर रहे हो क्या? तो डॉक्यूमेंट भी रखो ना, क्या प्रॉब्लम है? बराबर है ना? कल उठ के आपको अगर कोई पूछता है कि इतना कमीशन आपको क्यों मिला, क्या जवाब दोगे? वो मेहनत है भाई अपनी, आपकी खुद की मेहनत है, उसका तो कम से कम ख्याल रखो, उसका रिस्पेक्ट करो। खुद मेहनत कर रहे हो उसका रिस्पेक्ट करो। तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, रिस्पेक्ट योर मेहनत। आप जो काम कर रहे हो उसका रिस्पेक्ट करो। मैं ये काम कर रहा हूं, डॉक्यूमेंट करो उसको। कैसे डॉक्यूमेंट करोगे? अरे आप किसके साथ हो? हम आपको एक सॉफ्टवेयर देंगे, हम आपको एक सॉफ्टवेयर दे देंगे। आपको सॉफ्टवेयर में क्या डालना पड़ेगा? समझ गए हो? ये कैसे होगा और डिटेल में कैसे अच्छा करेंगे हम, इसको हम इंप्लीमेंटेशन के प्रोग्राम में वापस एक बार देखेंगे, याद रखो। ठीक है, समझ में आ रहा है? हमें हमारी मेहनत को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, इतना याद रखो। हम जी जान से काम कर रहे हैं, सब लोग यहां पे जी जान से काम कर रहे हैं, गदा मजूरी कर रहे हैं, 22-22, 25-25 दिन ट्रैवल कर रहे हैं। लिखने में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि अगर हम नहीं लिखेंगे क्या होगा? क्यों पैसा मिला वो नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? क्लैरिटी आ रही है? रोज प्रोग्राम ले, रोज लिखो। हाँ, और हमें पता है कि आप बिना मतलब का नहीं ले रहे हो भाई, बहुत मेहनत करके ले रहे हैं। क्लैरिटी है? समझ में आ रहा है? हमारी मेहनत को हमें रिस्पेक्ट करना है। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमें लगता है हाँ ये तो मुझे अच्छा लगता है, इधर जाओ सेमिनार लो, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, राइट है? मैं जानता हूं आप सबको काम करने में बहुत मजा आता है, लेकिन उसको लिखो यार, लिखो। और वो लिखना कैसे है? सॉफ्टवेयर देने वाले, मोबाइल ऐप देने वाले आपको, ताकि साल के एंड में, देखो ये अच्छी बात क्या है, साल के एंड में आपको भी पता चले मेरा इतना पेआउट आया, तो साल के एंड में देखने में बहुत अच्छा दिखेगा ना कि मैंने इतने गेस्ट कवर किए थे यार एक साल में। बोलने में अच्छा लगता है, मैंने इतने डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेनिंग दिया है, मैंने इतने प्रोडक्ट सेमिनार लिए है, मैंने इतने बिजनेस सेमिनार लिए है, मैंने इतने लोगों का मेंटोरिंग दिया। अरे डेटा देखो क्या जबरदस्त आएगा, आप सोच नहीं सकते। दूसरा, दिस विल प्रोटेक्ट यू, किसके अगेंस्ट? नीचे से क्या उठता है और बोलता है मेरा वो अप्लाई है ना, सपोर्ट नहीं कर रहा है। हाँ, अभी आपके पास क्या है? सपोर्ट नहीं कर रहा है, 2 मिनट रुक, मोबाइल ऐप निकालो, रेफरेंस नंबर बोल तेरा, टिक 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 एंटर। आप बोल सकते हो देख तेरे 5 गेस्ट को इतने तारीख को मैंने कवर किया था, तेरे 10 लोगों का ट्रेनिंग मैंने इस तारीख को दिया था, तेरे साथ 4 दिन 1-to-1 कॉल करने के लिए मैं यहां यहां आया था। अभी इसको सपोर्ट नहीं बोलते तो और क्या बोलते? समझ आ रहे? तो दिस विल प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी डायरेक्टर ऑफ नेटवर्क। समझ आ
समझ में आ रहा है? कैसे करना है, क्या करना है, डिटेल में देखेंगे इंप्लीमेंटेशन में। आगे चलते हैं। सो वी आर नॉट डूइंग पिरामिडिंग एंड वी आर नॉट डूइंग, करना क्या पड़ेगा, प्रूव करेंगे। शैल नॉट प्रमोट इंड्यूस कस्टमर बाय शोइंग बिजनेस प्लान। इसके बारे में बहुत बात हुई, वापस नहीं बोलता, आपको यह समझ में आ गया है। बिजनेस प्लान लिखा के कंज्यूमर को नहीं बोल सकते, कंज्यूमर को सिर्फ प्रोडक्ट बेचने हैं। आगे चलते हैं। अभी हाईलाइट क्या बोले, देखो, शैल नॉट एनरोल कंज्यूमर एज अ डायरेक्ट सेलर। सबसे पहला पॉइंट, हम एज अ कंज्यूमर को डायरेक्ट सेलर करके एनरोल नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट सेलर अलग है। ओके, हम ये भी नहीं उसको बोल सकते कि तू हमारा डायरेक्ट सेलर बन जाता है तो तुझे आगे में कितना पैसा मिल सकता है, 8-19 ये वो। कंज्यूमर को नहीं बोल सकते, किसको बोल सकते हो आप? ये डायरेक्ट जो बिजनेस के इंटेंशन से आया है उसको बोल सकते हो, समझ में आ रहा है? लेकिन जो कंज्यूमर है, जो सिर्फ प्रोडक्ट लेने के लिए आया है, उसको नहीं। अभी आपका प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जो आता है उसको सबको हमें करोड़पति बना रहे, ये आपका छोटा सा प्रॉब्लम है। अरे है क्या नहीं है? सबको बोलते हैं बाबा तू आदमी कमाएगा तू ये। अभी इतना बोल के कितने लोगों को करोड़पति बना पाए? तो अभी हम क्या करेंगे, सबको नहीं बोलेंगे करोड़पति बनाना है, किसको बोलेंगे करोड़पति बनाना है? हाँ, जो डायरेक्ट सेलर है, भले 10 रहे, 10 को बोलेंगे तू अच्छा करेगा, तेरा तुझे करोड़पति बना के देंगे। बराबर है? अभी तक क्या होता था, हजारों लोग आते थे, सबको हम मोटिवेट चाबी मारते थे जोरदार, तू भी कर सकता है। अभी वो बोलता है अरे यार मैं तो कंज्यूमर हूं, प्रोडक्ट लेने के लिए क्या बोल रहा है, मुझे नहीं करना है। लेकिन हम क्या बोलते हैं, तुझे मैं करोड़पति बना के छोड़ूंगा। अरे मुझे नहीं बनना है भाई, नहीं चाहिए प्रॉब्लम था कि नहीं था? अभी किसको करना है हमें, ये सब करो, किसको करोगे? जो डायरेक्ट सेलर जो सच में बिजनेस के इंटेंशन से आपके पास आया है, द पर्सन हु हैज कम फॉर बिजनेस इंटेंशन, उसको करो ना। चल तुझे ये करता हूं, तुझे कैप लगाता हूं, तुझे ऐसा करता हूं, तुझे वैसा, सब करो जो करते थे, क्योंकि उधर रिजल्ट भी अच्छा आएगा। यहां पे हजार लोगों को बोलते हो, एक दो लोग रेडी हो जाते हैं, बराबर है? वहां पे 10 को भी बोलोगे लेकिन 2-3 लोग बन जाएंगे। लेकिन ये हजार लोगों को बोलने के लिए आपकी मेहनत, आपका पैसा कितना खर्च होता है? बहुत ज्यादा। अभी 10 को बोलना है, आपकी मेहनत बच गई, आपका पैसा भी बच गया। अच्छा हुआ बुरा हुआ? बहुत अच्छा हुआ, मेरे डायरेक्ट सेलर का पैसा बचा है भाई, ताली बजाओ। समझ में आ रहा है, क्लैरिटी आ रही है? वेरी गुड। आगे चलिए। डीएससी शैल नॉट सेल प्रमोट द प्रोडक्ट विच डज नॉट होल्ड द टेनर। मतलब क्या बोल रही है, हम ऐसे प्रोडक्ट नहीं बेच सकते जो हमारे ओल्ड प्रोडक्ट, ओल्ड क्या होता है मैंने ऑलरेडी बता दिया, आईपीआर होना चाहिए, ब्रांड नेम हमारा होना चाहिए। तो देखो, नेटवर्क का कोई भी प्रोडक्ट उठाओ, उसके पीछे देखो, हमने लिखा है प्रोडक्ट एंड ब्रांड ओल्ड बाय नेटवर्क। कब से लिख रहे हैं? जब से प्रोडक्ट आया तब से प्रोडक्ट आया। यस करेक्ट, राइट। तो हमारे लिए नई बात है क्या? हम ऐसा कोई प्रोडक्ट बेचते ही नहीं जो हमने नहीं किया, तो हमें इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये अच्छे कैसे है ये भी देख लेते हैं। इंडस्ट्री के लिए कंपनी को जो रिस्ट्रिक्शन दिए हैं उससे क्या फायदा होने वाला है? सबसे पहला फायदा, देयर विल बी एंट्री बैरियर फॉर फ्लाई बाय नाइट कंपनीज। अभी कोई भी छोटी मोटी कंपनी अपने को कॉम्पीट करने के लिए आती थी, लोकल प्लेयर उठता था, कुछ जबरदस्त प्लेयर,
होता था कि नहीं होता था भाई? अभी नहीं कर पाएगा। हाँ, स्टिंगरी जैसा प्रोडक्ट लेके आए, नहीं जैसा बोल भी नहीं सकता आईपीआर दिखा, टेस्ट रिपोर्ट दिखा, यूनिवर्सिटी रिपोर्ट दिखा, नेचुरल वर्क जैसा प्रोडक्ट, क्लिनिकल ट्रायल दिखा। देखो ये सब चीजें नेक्स्टअप ने पहले से की है टू बिल्ड द प्रोडक्ट फॉर लॉन्ग टर्म, जिसका अभी बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि बाकी लोगों को ये सब करके कंपनी शुरू करनी पड़ेगी। ये करने में कितना टाइम जाता है? 2-3 साल मिनिमम, समझ रहे हो? हमने ये कर दिया तो अच्छी कंपनी के साथ प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वी आर रेडी टू कॉम्पीट इन ओपन मार्केट, हेड ऑफ लेवर भी नो प्रॉब्लम। लेकिन कोई भी आ जाता है घुसखाट करते हैं, कुछ भी बोलता है, ऐसा हो वैसा हो। अभी क्यों आता था वो? क्यों आता था? लॉ नहीं था और हीरो कौन था? प्लान। मतलब ये बोला जाता था नेटवर्क मार्केटिंग इज कॉन्सेप्ट सही। आपने सुना रहेगा बहुत तज्ञ लोग अपने बोलते हैं नेटवर्कर, तो उनको अभी खुली माननी पड़ेगी। नेटवर्क मार्केटिंग इज नो लॉन्गर कॉन्सेप्ट सही, इट इज प्रोडक्ट सही। तो खाली आपका प्लान बहुत अच्छा है, इसलिए प्रोडक्ट चलने वाला नहीं। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो अच्छी प्रोडक्शन है, और क्या फायदा होगा? देखिए, मैनेजिंग ऑपरेशंस विल बी डिफिकल्ट। कोई भी कंपनी इस टाइप के ऑडिट, देखो हमें करने के लिए क्या बोला है वो समझो, ये जो सब लॉ है ना, हमें एक ऑडिट करना है। सीएस कंपनी सेक्रेटरी ये ऑडिट करेगा और ये चेक करेगा कि हमने सब लॉ कंप्लाई किया है या नहीं किया है। वो सर्टिफिकेट देगा और वो जाके मुझे सबमिट करना है। समझ में आ रहा है? वेबसाइट पे एक हमें प्रॉपर सेक्शन बनाना है इसका, सब डॉक्यूमेंटेशन का। समझ में आ रहा है? अभी ये सब चीजें करना नॉर्मल कंपनी के लिए पॉसिबल है। देखो, वी हैव अ कॉर्पोरेट सेटअप, यहां पे आप 600 लोग हैं, वहां पे मेरे पास 600 लोगों का स्टाफ है जो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहा है। हमारा टीम 600 एम्प्लॉयर, वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर, ये समझो। 600 लोग काम कर रहे हैं ताकि वो नेचुरल वर्क ठीक से आए, 600 लोग काम कर रहे ताकि वो स्टीम ठीक से आए, ये सिस्टम ठीक चले। समझ में आ रहा है? सो इट इज अ प्रॉपर कॉर्पोरेट सेटअप, उसको लगाने के लिए टाइम लगेगा। समझ में आ रहा है? अभी हमने ये ओवरनाइट नहीं बनाया है। कब से बना रहे हैं? 2001 से बना रहे हैं। 20 साल लगे हमें यहां तक आने के लिए। बहुत सारा पैसा लेके भी कोई कंपनी आया ना, उसको 3-4 साल लगेंगे। तब तक हम किधर जाएंगे? बहुत आगे। क्लियर? आगे चलते हैं। जैसे मैंने बताया, इट इज ऑटोमेटिक कंसोलिडेशन इन द इंडस्ट्री। ऑटोमेटिक कंसोलिडेशन होने वाला है। इंटरेस्ट डायरेक्टर विल हैव लिमिटेड ऑप्शन टू चूज फ्रॉम। कुछ ही कंपनियां बचेगी, जो अच्छी कंपनी है 100% रहेगी, जो प्रोडक्ट जैसे 100% रहेगी, जो कस्टमर डायरेक्ट सेलर अलग कर रही है 100% रहेगी, जो प्लान सिर्फ प्रमोट नहीं कर रही है, प्रोडक्ट प्रमोट कर रही है 100% रहेगी। समझ में आ रहा है? सो ऑटोमेटिक कंसोलिडेशन हो जाएगा, कम कंपनियां बचेगी, कंपटीशन अच्छे लोगों के साथ होगा, तो ज्यादा मजा आएगा। समझ में आ रहा है? Then we can define our market share. हमारे पास कौन कितना मार्केट शेयर है, बाकी अच्छी कंपनी के पास कितना मार्केट शेयर है। This is very good for industry. Clear? आगे चलते हैं। सेवा करोगे? पैसा फाइल के अंदर
जैसे मैंने बताया प्रोडक्ट विल नाउ बिकम अ किंग। प्रोडक्ट क्या होगा? किंग होगा, राजा प्रोडक्ट रहेगा। प्रोडक्ट के मामले में आप बोलो कंपनीज विद क्वालिटी एंड रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट विल प्रिवेल। वही कंपनी आगे जाएगी जिसके पास क्वालिटी एंड रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। क्या हमारे पास है? yes! तो हम आगे जाएंगे। yes! इसमें कोई डाउट भी नहीं है, देयर इज नो डाउट इन दिस। आगे चलते हैं, डायरेक्ट सेलर के बारे में देखते हैं। आपके बारे में अभी तक कंपनी देखे ना, अभी आपको डायरेक्ट सेलर भी देखना जरूरी है। डायरेक्ट सेलर अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय डीएससी थ्रू लीगली एनफोर्सेबल रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट टू अंडरटेक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस। क्या बोलना चाहता है गवर्नमेंट देखो इधर, क्या बोलना चाहता है? सिंपल सेंटेंस लगता है ना, लेकिन ये एक सेंटेंस में कभी कभी बोलता है ना एक तीर में दो निशान, तो ये एक तीर में 8-10 निशान मारे गवर्नमेंट ने। समझ के ले लो, एक सेंटेंस को ही समझ के ले लो। आपने ये एक सेंटेंस जो स्टार्टिंग में ही है उसको ठीक से समझना, आपको समझ में आएगा क्या बोलना चाहता है। अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय डीएससी थ्रू लीगल एनफोर्सेबल रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट टू अंडरटेक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल P2P basis पे करना है। P2P basis can I use the whiteboard please? ये कैसे करते? Okay, what is P2P? P2P is principal to principal. P2P का मतलब क्या है? प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल। P2P का दूसरा अर्थ होता है B2B, यानी बिजनेस टू बिजनेस। हम दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होने वाले बिजनेस पर्सन है, B2B है हम। तो यू आर अ बिजनेस, यू आर नॉट माय कंज्यूमर, प्लीज अंडरस्टैंड। आप मेरे कंज्यूमर नहीं हो, आप कौन हो? आप डायरेक्ट सेलर हो। वी हैव P2P एग्रीमेंट, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल एग्रीमेंट, मतलब हमारे और आपके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होंगे ये B2B कहलाएंगे। अभी यहां पे गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलर को महत्व दिया है कि वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, वो ऐसा बंदा है जो बिजनेस करना चाहता है। समझ रहे हो? और मुझे आपको एज अ बिजनेस एंटिटी एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, आपको खुद को भी एज अ बिजनेस एंटिटी एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज ये B2B है, बिजनेस टू बिजनेस। जब भी मैं कोई आपको प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं, इट इज B2B, बिजनेस टू बिजनेस। यू आर नो लॉन्गर माई कंज्यूमर्स, यू आर माई बिजनेस पार्टनर्स। समझ रहे हो क्या? देखो हम ये पहले से बोल रहे हैं, लेट्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क इज अ बिजनेस पार्टनर। तो क्या नेटवर्क भी ये चाहता है कि वो बिजनेस पार्टनर है? yes! क्या खुद किया है को समझ रहे हो? yes! इस चीज को समझो, आप नॉर्मल इंसान नहीं हो। आपको लगता है हाँ मैं तो क्या कुछ नहीं मिला इसलिए डायरेक्शन। अरे नहीं भाई, यू आर B2B, बहुत स्ट्रांग बंदे हो आप, यू आर अ बिजनेस, आप खुद एक बिजनेस हो, आपका खुद का बिजनेस है। और ये आगे आपको प्रूव करना पड़ेगा कि मेरा खुद का बिजनेस है। खुद को इज्जत देना सीखो, गवर्नमेंट यही बोल रहा है, खुद को इज्जत देना सीखो भाई। जैसे मैंने बताया आपके मेहनत को इज्जत दो, वैसे ही आपके खुद को एक एस्टैब्लिश बिजनेसमैन की तरह बात करना सीखो, एस्टैब्लिश बिजनेसमैन की तरह काम करना सीखो, एस्टैब्लिश बिजनेसमैन की तरह रहना सीखो। गवर्नमेंट बोल रहा है मुझे B2B कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, यानी बिजनेस टू बिजनेस। आप
मेरे कस्टमर नहीं हो, यू आर नॉट माई कंज्यूमर। कंज्यूमर किसका है? आपका है। इसका मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि जब एक डायरेक्ट सेलर एक कस्टमर कंज्यूमर बताएगा, यहां पे बी टू सी सेल होगा, लेकिन वो कंपनी से जब लेगा यहां पे बी टू बी सेल होगा। समझ में आ रहा है? क्लैरिटी आ रही है? अभी ये टर्म्स आपको थोड़े टेक्निकल लगेंगे, लगेंगे क्योंकि टेक्निकल ही है, क्योंकि आप कौन हो? डायरेक्ट सेलर, बिजनेसमैन। खुद को बिजनेसमैन, बिजनेस वुमन समझो। आपको स्टेटस देने की बात कर रहा है गवर्नमेंट। इट इज प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल एग्रीमेंट, लीगली एनफोर्सेबल। प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल एग्रीमेंट आपके पास रहेगा ताकि आपको तकलीफ ना हो। उस एग्रीमेंट के जरिए हम आपको राइट देंगे टू यूज अवर ब्रांड, टू सेल अवर ब्रांड इन द मार्केट। अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि आप एक चीज को समझो, ऐसा हम नहीं बोल सकते अभी कोई भी डायरेक्ट सेलर बन सकता है। नहीं भाई, कोई भी डायरेक्ट सेलर नहीं बन सकता। डायरेक्ट सेलर ऐसा ही बंदा बन सकता है जो बिजनेस करना जानता है, जिसको बिजनेस करना आता है, जो खुद का बिजनेस खुद संभाल सकता है। कोई भी उठके हो, क्लियर? फ्लाइट फीस, फ्लाइट फीस। सो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल एग्रीमेंट करना है, लीगल इनफोर्सेबल प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल एग्रीमेंट आपके साथ करेंगे। कौन करेगा? हम करेंगे। तो हमारा जो एग्रीमेंट है, रीसाइन करना पड़ेगा सबको? यस, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लेंगे। क्लियर? आगे चलते। आपको कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे आपको बी टू बी एस्टैब्लिश करना है ना। आप बिजनेस बोले, मुझे एस्टैब्लिश करना है। आप कस्टमर नहीं हो, आप कौन हो? डायरेक्ट सेलर। आप एक बिजनेस एंटिटी हो। देखो, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल एग्रीमेंट हम किसके साथ करते हैं? नॉर्मली हमारे जो भी को पैकर रहते हैं, कभी कभी को पैकर्स। को पैकर्स मतलब क्या? एग्जाम्पल, मेरे पास अभी लिक्विड फिलिंग लाइन नहीं है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, है अपने पास नहीं है, ऐसा अज्यूम कर दो। तो मैं क्या करूंगा, जिस इंडस्ट्री के पास ये लिक्विड फिलिंग लाइन है उसको मैं बोलूंगा, मेरा ये प्रोडक्ट आपके इधर पैक करके मुझे दे दो। इट इज प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल एग्रीमेंट। वो एक बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट है, मैं एक बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट हूं। दोनों बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। देन इट इज प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल एग्रीमेंट। प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल एग्रीमेंट मतलब क्या? आपने आपके कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचा, राइट? अगर ये पी टू पी एग्रीमेंट नहीं होता, वो कस्टमर का कुछ भी कंप्लेंट आता, हम हाथ खड़े कर लेते, तूने बेचा तू देख। बिकॉज इट इज प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल, कुछ चीजें हमें देखनी पड़ेगी, कुछ चीजें आपको देखनी पड़ेगी जो एग्रीमेंट में डिफाइन होगी। प्रोडक्ट की सर्विस देना आपकी जिम्मेदारी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी देना मेरी जिम्मेदारी है। क्वालिटी में कुछ भी इश्यू आया, आई एम रिस्पॉन्सिबल। सर्विस में कोई भी इश्यू आया, यू आर रिस्पॉन्सिबल। अभी भी करते हैं कि नहीं करते? अभी लिख लेंगे इसको, बराबर है ना? अभी भी करते हैं कि नहीं करते? अभी ये करते हैं, ऑलरेडी करते हैं। अभी क्या होगा? लिख लेंगे। डॉक्यूमेंटेशन, लॉ आया, लॉ आया तो क्या करना पड़ेगा? अभी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर। आगे चलते हैं।
उसको क्या क्या लगेगा? कंप्लीट नेम, प्रॉपर नाम लगेगा. दूसरा, नेम ऑफ एनरोलिंग फर्म इफ एनी, मतलब फर्म से भी कर सकते हो आप अभी डायरेक्शन, तो फर्म लॉगिन अलग, फर्म से भी आप एज अ खुद की फर्म बना के भी कर सकते हो. अभी इससे बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा देखो, बहुत सारे अपने पास गवर्नमेंट सर्वेंट आते हैं, कोई जॉब करने वाले लोग आते हैं, उनको क्या बोलना है, एक फॉर्म बना ले, वाइफ के नाम से बना ले, बेटे के नाम से बना ले, राइट, और वो फॉर्म रजिस्टर कर, हम वो शिफ्ट करके देंगे. क्लियर? दूसरा, उसको खुद का ईमेल आईडी होना जरूरी है. ईमेल आईडी क्यों चाहिए? क्योंकि कंपनी, गवर्नमेंट आपके साथ मेल द्वारा कम्युनिकेट करेगा. आप ये नहीं बोल सकते वो मुझे मेल आता ही नहीं है, सीख लो. सीखना पड़ेगा, बिजनेस करने के लिए आए ना. मेल नहीं आता बोल नहीं सकते. ईमेल आईडी सबका, इसके आगे जो भी हमारा भी कम्युनिकेशन है ईमेल में होगा. क्यों ईमेल में होता है? ट्रेस लगता है इन केस ऑफ डिस्प्यूट. ट्रेस लगना जरूरी है. तो हम ईमेल भेजेंगे, आप ईमेल से रिप्लाई. क्लियर? ऐसा नहीं बोल सकते वो मेल सर ऐसा, मैं तो अंगूठा हूं, नो प्रॉब्लम. एक पढ़ा लिखा आदमी हायर कर लो, उसको सैलरी दो, वो करेगा. एक मेल लिखकर ऐसा ऐसा बोलना है मुझे, ठीक है, उतना तो कर सकते हो. करना पड़ेगा क्या? पड़ेगा, क्योंकि आप कौन हो? डायरेक्टर. डायरेक्टर कौन है? बिजनेस एंटिटी. खुद कर सकते हो नो प्रॉब्लम, नहीं कर सकते काम पे रहो किसी से. और क्या लगेगा? जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जनरल जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. कॉम्पोजिट मत लो. जीएसटी क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि इंप्लीमेंटेशन में हम बहुत सारे प्रोडक्ट ई कॉमर्स के माध्यम से बेचने वाले हैं, ताकि आपके पास का स्टॉकिंग कम हो, इन्वेंट्री आपके पास कम आए. समझ में आ रहा है? क्योंकि जैसे हमने देखा B2B B2C, इसका मतलब क्या है? मैं आपको बेचूंगा और आप आगे बेचोगे. दिस इज वन वे, बराबर ना? तो आप जब परचेस करोगे आपका टर्नओवर होगा. अरे समझ रहे हो क्या? गवर्नमेंट हुशियार है, दिमाग है. लेकिन सब लोग स्टॉक रख सकते हैं क्या? कितना रखोगे, कितने प्रोडक्ट रखोगे? तो हमें ई कॉमर्स का सहारा लेना पड़ेगा क्या? टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? लेना पड़ेगा. और ई कॉमर्स में कौन सा प्रोडक्ट किधर जाएगा आपके हाथ में नहीं है. तो इंटरस्टेट सेल पॉसिबल है, तो हम रिस्क नहीं ले सकते. सबको जीएसटी निकालना ही पड़ेगा. क्लियर? टू प्रोटेक्ट यू, हमें आपको प्रोटेक्ट करना है. जीएसटी जनरल निकालो, कॉम्पोजिट मत निकालो. कॉम्पोजिट विद इन स्टेट रहता है. आगे चलते, पैन लगेगा, ऑलमोस्ट सबके पास है, नहीं है तो लगाना पड़ेगा. ट्रेड लाइसेंस रिक्वायर्ड है. कब? जब लेके बेच रहे हो, यू नीड ट्रेड लाइसेंस. तो हमारे पास दो सिस्टम आएंगे, एक ई कॉमर्स सिस्टम, दूसरा लेके बेचने वाला सिस्टम. इंप्लीमेंटेशन में देखेंगे कैसे होगा. समझ में आ रहा है? अरे क्लैरिटी आ रही है क्या? Yes. हाँ, तो आप कौन हो? बिजनेस. मैं जब कंपनी कंपनी बोल रहा था सब आप खुश हो रहे थे, अभी खुद के ऊपर आया था, नाराज क्यों हो रहे हो? आपको चाहिए कंपनी में सब करो, मैं कुछ नहीं करूंगा. ऐसा होने वाला बी टू बी है, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल है. मैं नहीं बोल रहा हूं, लॉ बोल रहा है, करना पड़ेगा. अभी क्या हो गया, कोई भी उठ के एकदम से डायरेक्ट सेलर नहीं बन सकता. एकदम से फूड आया, हा 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 हा, डायरेक्ट सेलर बन दो, इतना आसान है नहीं. एंट्री बैरियर जैसे कंपनी को है वैसे डायरेक्ट सेलर को भी होगा. अभी एंट्री बैरियर डायरेक्ट सेलर का होगा तो क्या होगा? डायरेक्ट सेलर की वैल्यू बढ़ेगी. अरे समझ में आ रहा है क्या? जिसके पास सब कुछ है, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन, उसकी वैल्यू है. क्यों?
कि मैं पीर टू पी इमीडिएटली कर सकता हूं, मेरे पास डे वन से सब कुछ है। सो खुद की वैल्यू करना सीखो भाई, सीखोगे क्या? वेरी गुड, आगे चलते हैं। प्लेस ऑफ बिजनेस दिखानी पड़ेगी, घर हो सकता है, घर हो सकता है। प्लेस ऑफ बिजनेस दिखानी पड़ेगी, ट्रेड लाइसेंस अगर आप लेके बेच रहे हो निकालना पड़ेगा, अगर आप लेके बेच रहे हो आपको एफएसएसआई भी निकालना पड़ेगा, फूड प्रोडक्ट ले रहे हो तो। अभी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट एंड हर्ब्स एंड हर्ब्स के प्रोडक्ट, पर्सनल केयर प्रोडक्ट, इसके लिए कोई लाइसेंस लगने वाला नहीं है, लेकिन आगे जाके इसके भी लॉ आने वाले हैं, कॉस्मेटिक बिल इज पेंडिंग, तो वो आया तो वो हमें एप्लीकेबल होने वाला है। आज एप्लीकेबल है क्या? नहीं है, तो तैयारी रखो। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ओनली एंड ओनली थ्रू ई कॉमर्स ही बेचेंगे, क्योंकि बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत सारा लाइसेंसिंग है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में जो अपना पेट केयर रेंज है, सीएफसी एक्वा, ट्रेड लाइसेंस के माध्यम से कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। एनरोल विद कंपनी विद प्रायर रिटन कॉन्ट्रैक्ट दैट ऑथेंटिकेट्स हिम और हर टू कंडक्ट सेल ऑफ प्रोडक्ट्स। मुझे आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यस, उसकी कॉपी आपके पास भी रहेगी, यस, तो लीगली आप स्ट्रांग हो गए। अभी आपके पास क्या है? हाँ, मेरे पास कंपनी है, मेरे पास प्रोडक्ट है, मेरे पास वो सब कुछ है, आपके पास क्या है? आपके पास कुछ नहीं है। अभी आपके पास रहेगा कॉन्ट्रैक्ट एंड आई कार्ड, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। ये किसी भी ऐरे गेरे लत्तू फेरे का काम नहीं है। अरे अच्छी बात है या दुबरी बात है? अच्छी बात है, अच्छी बात है, कोई भी ऐसे डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर सकता। This is very good. कोई भी अल्तू फल्तू बंदा गलत के डायरेक्ट सेलिंग करता है, नॉट पॉसिबल। प्लीज अंडरस्टैंड, इस इंडस्ट्री को स्टेटस मिल रहा है, तो स्टेटस मिलेगा तो लॉ सबको अवॉइड करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। डायरेक्ट सेलर का प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम क्या रहेगा? रिटेलिंग ऑफ प्रोडक्ट टू कंज्यूमर्स। सो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम विल बी रिटेलिंग द प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, हमें वैसे भी कंज्यूमर नेटवर्क अलग करना है, राइट? तो जिसको जिसको आप अभी तक प्रोडक्ट बोल बोल के अननेसेसरी बिजनेस प्लान में लाते थे, उसको मत लाओ, बराबर है? उसको प्रोडक्ट बेचो, राइट? हमारा आपका बी टू बी है, तो रिपर्चेस ये कंसेप्ट गया है, समझ रहे हो? रिपर्चेस ये कंसेप्ट जाने वाला है, इंप्लीमेंटेशन में डिटेल में देखेंगे। इसका मतलब क्या है? कंपनी के जो ऑफर्स आएंगे वो किसके लिए रहेंगे? कंज्यूमर्स। अरे इंटेलिजेंट लोग आप एकदम, परफेक्ट, समझ गया है? तो कंपनी के ऑफर किसके लिए आएंगे? तो हमें जो कर रहे हैं वही करना है, अभी तक जो हम कर रहे थे वही करने वाले हैं, खाली वो कंज्यूमर को अंदर मत लेके आओ नेटवर्क में। क्लियर? वेरी गुड, आगे चलते। डायरेक्ट सेलर शुड गिव क्लियर एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफर। देखो, आपको जो कंपनी बोल रहा है वही बोलना है, खुद का कुछ तो नया डेमो, खुद का कुछ तो नया प्रयोग, कुछ का कुछ तो एकदम नया कुछ तो ऐसा नहीं कर रहे, बराबर है? करो लगे, अरे करो कि नहीं करो, लॉ इंप्लीमेंट करने में आपकी मदद लगेगी क्या? मुझे 100% लगेगी, करोगे तो भाई हाथ जोड़ के पूछो। गलती से मत बेचना यार कुछ भी, आप तो लटकोगे मुझे भी लटका हूं। प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट है, बी टू बी है, आप आपके हाथों में कंपनी है भाई, समझ रहे हो क्या?
सो यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का काम है डायरेक्ट सेलिंग। मतलब डायरेक्ट सेलर बनना ये नॉर्मल काम नहीं है, जिम्मेदारी है आपकी। कुछ गलत करेंगे नहीं और कुछ गलत हम करने नहीं देंगे किसी को भी। अगर गलत हो रहा है ऑब्जेक्शन लेंगे। तो ना गलत करूंगा और ना गलत होने दूंगा। डायरेक्ट सेलर का नारा एक ही होगा। क्या नारा है? ना गलत करूंगा, ना गलत होने दूंगा। वापस एक ही, ना गलत करूंगा, ना गलत होने दूंगा। परफेक्ट। एक ही नारा, जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी कंपनी है कि नहीं है? हाँ, तो दिखाओ। क्लियर? आगे चलते हैं। आफ्टर सेल्स सर्विस एंड डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट टू कंज्यूमर, क्या अभी भी आप करते हो? आपको ही करना, इसमें कोई नई बात नहीं है। ड्यूटीज ऑफ डायरेक्ट सेलर, ऑलवेज कैरी आइडेंटिटी कार्ड भाई मीटिंग में प्रोस्पेक्ट। आपको आई कार्ड कैरी करना पड़ेगा। आई कार्ड कौन देंगे? कंपनी देगा। और हम नॉर्मल आई कार्ड देने वाले हैं। हम आपके आई कार्ड में आपका एक क्यूआर कोड डालेंगे जिसमें कंज्यूमर ऐप डाउनलोड करके वो क्यूआर कोड स्कैन कर सकता है और आपके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आई कार्ड में फिट नहीं हो सकती वो देख सकता है। अभी ये लॉ में बोला नहीं है, ये हमारा है। बराबर है ना? इससे फायदा क्या होगा? आप कंज्यूमर को बोल सकते हो, भाई मेरा पूरा डेटा तेरे पास है, ले। मैं हूं, मैं भाग के जाने वाला नहीं हूं, मैं नेटवर्क का डायरेक्ट सेलर हूं, इधर ही रहूंगा। कंपनी भी इधर है, मैं भी इधर हूं। Clear? अभी इसी QR कोड का और फायदा क्या होगा? आपका मनी सर्कुलेशन याद है, प्रूव करना है हमें, हमारे काम को इज्जत देनी है। जब किसी का प्रोग्राम ले रहे हो, आपके एप्लीकेशन में सॉफ्टवेयर आएगा आपके मोबाइल में, अटेंडेंस लेना है, मतलब क्या करना है? आई कार्ड दिखाओ, टिक 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 टिक। चार लोगों को वन टू वन किया, अटेंडेंस हो गया। टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ काम करने के फायदे। क्लैरिटी आ रही है? जैसे आज यहां पे एमसीएम मीट हो रहा है, बराबर है? आते ही आपको ऐसा बैंड दिया गया, दिया कि नहीं दिया? ये शुरुआत थी। अभी क्या होगा? हमारे जो बैंड देने वाले लोग हैं, रजिस्ट्रेशन डेस्क पे जो मैनेजर बैठ रहे हैं, उनके पास एक मोबाइल ऐप रहेगा, वो बोलेंगे सर आई कार्ड, टिक टिक टिक, डन। आप सब लोगों ने एमसीएम मीटिंग दो दिन का अटेंड किया, रिकॉर्ड हो गया। ये समझ रहे हो क्या? तो यही करते रहना है। किसी का भी ट्रेनिंग प्रोग्राम ले रहे हो भाई, ट्रेनिंग प्रोग्राम लेने से पहले टिक 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 सबको करो, राइट? कंज्यूमर को रहेगा, कंज्यूमर के पास तो आयकर रहने वाला नहीं है। उधर फोटो, फोटो वैसे भी हमें डालने अच्छे अच्छे लगते हैं, हम निकालते हैं सेमिनार में ऐसे, वैसे निकालो, अपलोड करो। मतलब जो आपके ग्रुप पे डालते हो, हमारे भी ऐप पे डाल दो ना, क्या प्रॉब्लम है? कंपनी को भी पता चले आपने प्रॉब्लम किया। आई कार्ड आपका नॉर्मल आई कार्ड नहीं है, जबरदस्त आई कार्ड। हाँ, कंज्यूमर ट्रेनिंग में बैठ नहीं सकता क्योंकि, बराबर है ना? कंज्यूमर अलग, डायरेक्ट सेलर, जिसके पास आई कार्ड है, टुक। सुपर ट्रैक के ट्रेनिंग में आ गए, टुक टुक टुक, जो अच्छी वाले वही दिखेगा ना, अच्छी वाले, नॉट अच्छी वाले, ज्यादा नहीं अच्छी वाले। अरे बराबर है ना? फास्ट ट्रैक के ट्रेनिंग में आ गए, टिक टिक टिक, जो अच्छी बात वही अंदर आएगा, नहीं है, नहीं है।
ना सिस्टम है, सिस्टम से काम करेंगे सब आगे जाएंगे, आगे चलते। सो डायरेक्शन कैन जॉइन न्यू डायरेक्शन इन देयर नेटवर्क, हाउएवर दे कैन नॉट कंप्लीट कंप्लाई द प्रोस्पेक्ट और इंडिड कंज्यूमर टू बिकम डायरेक्शन। आप कंज्यूमर को डायरेक्शन नहीं बना सकते, कंज्यूमर को क्या नहीं कर सकते, डायरेक्शन नहीं बना सकते, कंज्यूमर ही कंज्यूमर रहेगा, डायरेक्शन डायरेक्शन रहेगा। अभी आप लोगों को किसी कंज्यूमर को चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, तो उसकी ये जो चाह है डायरेक्शनर बनने की, जो उसको वो कीड़ा आया है चाह मतलब आई है ना, वो उसको एक्सप्रेस करनी पड़ेगी। तो कंपनी एक सिस्टम देगी, उसके माध्यम से वो बोलेगा कि आई वांट टू बिकम डायरेक्शनर, फिर कंपनी उसको एक ईमेल करेगी लिंक, उसके माध्यम से वो आगे जाएगा। इंप्लीमेंटेशन में देखते हैं कैसे होगा, ठीक है, चलो वेरी गुड, आगे चलते। लेकिन हम खुद होके जो प्रोडक्ट अच्छे से ले रहा है उसको नहीं बोलेंगे, क्यों बोलता है करता है ये डायरेक्टर बन गया मेरे लिए सब एक, क्योंकि उसको अभी डायरेक्टर बन के कुछ फायदा नहीं है, ये समझो। अभी तक आप डायरेक्टर उसको क्यों बनाते थे, क्योंकि डिस्काउंट मिलता था, वो तो अभी उसको वैसे भी मिलने वाला है, क्योंकि B2C में डिस्काउंट देगा क्या कंपनी 100, तो अभी तक जैसे जितने ऑफर चलते हैं किसके लिए ऑफर चलेंगे, कंज्यूमर के लिए, समझ रहे हो, एकदम इंटेलिजेंट हो गया। अभी आप लॉ का सेशन ले सकते हो मेरे साथ। ड्यूटीज ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन शैल नॉट रिप्रेजेंट टू द कंज्यूमर एज अ फॉर्म ऑफ मार्केट रिसर्च। मतलब ये कुछ कंपनी आई थी स्पीक एशिया जैसे, उनके लिए लॉ आया है नॉट एप्लीकेबल टू अस, हम मार्केट रिसर्च वगैरह ऐसा नहीं करते। ओके, द कंपनीज प्रमोशनल लिटरेचर इन अ फॉर्म ऑफ ई ब्रोशर एडवर्टाइजमेंट ईमेल्स और वेबसाइट शैल बी शेयर्ड विद द कंज्यूमर। जो कंपनी का ऑफिशियल लिटरेचर है ना वही कंज्यूमर को देना है, खुद का छाप के उसको अलग देना, समझ रहे ना। मैं आज से खुद कुछ भी प्रिंट, बोलो आपसे मैं आज से कुछ भी प्रिंट नहीं। आपको अगर प्रिंटिंग करने की इतनी ही इच्छा है, हम आपको सॉफ्ट कॉपी देंगे, कर लो प्रिंट, लेकिन वही कर लो, उसमें चेंजेस मत करो। आप क्या करते हो, ये कंपनी का जो 4 पेज है ना, मैं 4 पेज 2 पेज में बिठाता हूं और मेरे 4 पेज इस पे ऐड करता हूं, नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है। कुछ भी खुद का खुद ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो कंपनी का है वैसे के वैसा कंज्यूमर तक पहुंचना जरूरी, खुद कुछ प्रिंट नहीं करना है। अगर आपके पास कुछ प्रिंटिंग है ऐसा किया हुआ, जला बराबर है ना, अपना नोटबंदी आ गया है, ब्रोशर बंद किया गया, जला। तो कंज्यूमर को एग्जैक्ट प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देनी है, हमें जो आप देते हो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है हमें। Presentations used for direction shall not contain any product description, claims, illustration. देखो, जो कंपनी क्लेम कर रही है वही आपको क्लेम करना है, आपके खुद के क्लेम उसमें ऐड नहीं करेंगे। मतलब नेचुरल और ये अगर न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट है तो उसको मैं न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट या न्यूट्रासिटिकल, ये दो ही वर्ड यूज करूंगा, मैं दवा करके नहीं बेचने वाला। बराबर है ना, नेचुरल और ये क्या है, दवा नहीं है। खुद के दिमाग में डाल, नेचुरल और ये दवा नहीं है, ये न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट है। अभी गवर्नमेंट अच्छा बोल रहा है बुरा बोल रहा है, हम दवा दवा बोल के कंज्यूमर को दे रहे थे बीमारी ठीक करने के लिए,
अभी हमारा कस्टमर बेस बढ़ गया क्या, कम हो गया? बढ़ गया। अभी तक हम बीमा लोगों को ढूंढ रहे थे, अभी बीमा लोगों को मत ढूंढो, सबको दो। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, वेरी गुड। आगे चलते हैं। तो ये वही है, ज्यादा गवर्नमेंट देखो इसमें क्या हो रहा है, बहुत बार मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में होता है, तो वो नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट चाहता है। गलत है क्या? करेक्ट है। मिस रिप्रेजेंटेशन स्टीम रीच यूज करो, बाकी कुछ भी यूज नहीं किया तो चलेगा। गलत है भाई, हम कभी ये नहीं बोलते नहीं है। तो जो सही है वो चीज बोलो, जो गलत है वो चीज मत बोलो। क्लियर? सो डिस्क्रिप्शन, क्लेम्स, इलस्ट्रेशन, अदर एलिमेंट टू वेरीफाइबल फैक्ट कैपेबल ऑफ। देखो जो भी हम बोल रहे हैं, देखो इतने इतना ही याद रखो, इतने बहुत सारे वर्ड्स यूज किए हैं, हम जो बोल रहे हैं उतना ही बोलो, जो हमने नहीं बोला वो आपको नहीं बोलना है। चलो डायरेक्ट सेलर ने क्या क्या नहीं करना चाहिए, हम ये सब चीज करने वाले नहीं है। क्या नहीं करने वाले? सबसे पहले प्रोवाइड एनी लिटरेचर टू प्रोस्पेक्ट व्हिच हैज नॉट बीन अप्रूव्ड बाय डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी। हमने अगर नहीं दिया है, आप खुद का खुद प्रिंट नहीं करोगे, बराबर ना? वेरी गुड। आगे प्रोस्पेक्ट को मतलब कस्टमर को कुछ भी प्रोडक्ट के सिवाय एक्स्ट्रा परचेस करने के लिए नहीं बोलोगे। हम ये बोलते नहीं है, बाकी कुछ कंपनियां बोलती है, इसलिए है। हम ऐसे कुछ भी क्लेम नहीं करेंगे जो अनऑथराइज है, सब ऑथराइज क्लेम जो कंपनी ने बोले हैं वही करेंगे। टेस्टिमनी जो है, सच में जो टेस्टिमनी है वही दिखाएंगे। टेस्टिमनी शूट कर सकते हो क्या खुद का? टेस्टिमनी करते हो ना, रिजल्ट। हाँ, पैसा देके किसी को रिजल्ट हम नहीं करते, हमें जरूरत नहीं पड़ती, हमारे प्रोडक्ट के सच में रिजल्ट आते हैं, लेकिन कुछ लोग करते हैं। तो जो सच टेस्टिमनी है वो दिखा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रॉडेंट एक्टिविटी नहीं करोगे, मतलब क्या? मेरा टारगेट कंप्लीट होने के लिए इसको इतना, उसको उतना, उसको उतना, डंपिंग नहीं करोगे, बराबर है? नहीं करना चाहिए भाई। मिसलीड नहीं करोगे कंज्यूमर को। अभी मिसलीड कब करते हैं हम, कब कर सकते हैं? अगर कंज्यूमर ये है डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी का पार्ट हो गया तो कर सकते हैं मिसलीड, नहीं वरना मिसलीड करने का सवाल नहीं आता। मतलब तू प्रोडक्ट ले, 8 रुपीस मिलेगा, तू यहां पे एक अगर डेंटल केस लेगा ना, 200 रुपए लगेगा, हर महीने तुझे 5000 कंफर्म। ऐसे जो लोग गलत क्लेम करते हैं वो नहीं कर सकते। प्रलोभन अलग अलग देके कंज्यूमर को आप अंदर नहीं लेके आ सकते। जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बेचो, कंज्यूमर को अंदर लेके आओ, नो प्रॉब्लम। अंदर मतलब कंज्यूमर को कंज्यूमर के रखो, अंदर मतलब नेटवर्क में नहीं लाना है। आगे चलते हैं। ये सबके लिए अच्छे क्यों है ये भी देखना जरूरी है ना, जैसे कंपनी का देखा हमने, वैसे डायरेक्शन लेके क्या होगा। सबसे पहले दिस इज गोइंग टू बी अ सीरियस बिजनेस नाउ। टाइम पास करने के लिए लोग नहीं आएंगे डायरेक्ट सेलिंग में, मुझे कुछ भी करने के लिए नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूं, करके देखता हूं। नो, इफ यू आर सीरियस डायरेक्ट सेलिंग करो, इफ यू आर नॉट सीरियस मत करो। हमें डायरेक्ट सेलर कम आए चलेगा, सीरियस डायरेक्ट सेलर चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं हमारा एक सीरियस डायरेक्ट सेलर करोड़ों की वैल्यू रहने वाला बंदा है। इससे क्या होने वाला है? आपकी इमेज, आपका स्टेटस बढ़ने वाला है। ये चीज समझो, डायरेक्ट सेलर
will get formal and official status in the society. You have a contract, you have all business, you have completed all business compact formalities from government point of view. तो आपका स्टेटस बढ़ने वाला है सोसाइटी में, ये चीज को समझो. आप ऑफिशियली बोल सकते हो आई एम डायरेक्ट सेलर. अभी चौराहे पे जाके बोलो मैं डायरेक्ट सेलर हूं, नेटवर्क का डायरेक्ट सेलर हूं. नोबडी कैन स्टॉप यू. क्लियर? एनीवन कैन नॉट बिकम डायरेक्ट सेलर जस्ट लाइक दैट. मतलब ऐसे ही ज्वाइन हो गया, दो साइड से नेटवर्क चल गया, मैं डायरेक्ट सेलर बन गया. Not possible. समझ रहे हो? क्लैरिटी आ रही है? क्योंकि मैं जो कर रहा हूं मुझे एक्टिव रहने के लिए, बिकॉज मैं एक्टिव डायरेक्ट सेलर हूं, मुझे वापस कुछ ना कुछ प्रूव करना पड़ेगा. मैं एक्टिव हूं, मैं एक्टर नहीं, एक्टिव. बराबर है ना? एक्टर लोग जितने डायरेक्ट सेलर आपकी टीम में एक्टर है, यहां पे तो कोई एक्टर नहीं रहेगा शायद. कुछ एक्टिव रहते हैं, कुछ एक्टर रहते हैं. एक्टर नहीं बने चलेगा, कोई प्रॉब्लम. हमें एक्टिव लोग चाहिए. क्लियर? वेरी गुड. एवरी डायरेक्ट सेलर कैन डिमांड ट्रेनिंग नॉलेज फ्रॉम डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी बिफोर सेलिंग द प्रोडक्ट. आपका हक है. एवरी डायरेक्ट सेलर आपको डिमांड करना चाहिए हमें, और आपको डिमांड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम पहले दे देंगे. मुझे ट्रेनिंग चाहिए प्रोडक्ट का, मिलेगा. मुझे नॉलेज चाहिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, मिलेगा. ये हम क्या कर रहे हैं? नॉलेज दे रहे हैं. आपने बोला था, हमने बुलाया भाई आ जाओ, तो हम ये करते ही रहते हैं. समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं, कंज्यूमर के बारे में बात करते हैं. ओके, तो कंज्यूमर के बारे में क्या बोल रहे हैं? कंज्यूमर कौन है? इट इज एन इंडिविजुअल हु डिजायर टू परचेस प्रोडक्ट फ्रॉम डायरेक्ट सेलर फॉर सेल्फ कंजम्पशन ओनली. कंज्यूमर कौन है? जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्ट ले रहा है. देखो कंज्यूमर की डेफिनेशन है. अगर आप कंज्यूमर एक्ट पढ़ोगे तो उसमें कंज्यूमर की डेफिनेशन है. जैसे ही ये लॉ आया वो कंज्यूमर एक्ट भी अमेंड हो गया है, उसमें डायरेक्ट सेलिंग ये वर्ड ऐड हो चुका है. तो कंज्यूमर कौन है? जो किसी भी रिटेल एंटिटी से प्रोडक्ट परचेस कर रहा है या डायरेक्ट सेलर से परचेस कर रहा है, ऐसा उन्होंने ऑलरेडी अमेंडमेंट कर दिया है. तो कंज्यूमर कौन है? जो प्रोडक्ट ले रहा है वो कंज्यूमर है, यूजर, एंड यूजर. वो आगे बेच नहीं सकता ना आगे बोल सकता है, वो सिर्फ कंज्यूम कर सकता है. उसके यूज के लिए प्रोडक्ट है. आगे, द प्रोस्पेक्ट हैज राइट टू सिलेक्ट हिज आइडेंटिटी विद नेक्स्ट वेयर टू बी अ डायरेक्ट सेलर और कंडक्ट बिजनेस एंड अर्न इनकम और बिकम कंज्यूमर फॉर कंजम्पशन. देखो, प्रोस्पेक्ट को ऑप्शन है, वो कंज्यूमर ही रहेगा तो कंज्यूमर ही रहेगा, उसको इनकम नहीं मिलने वाला. तो कंज्यूमर, ये कंज्यूमर रहेगा, नेटवर्क में आने वाला कंज्यूमर को पे आउट आएगा क्या? नहीं. इंटेंशन डायरेक्ट सेलिंग में आने का नहीं रहेगा. कंज्यूमर का इंटेंशन ये सिर्फ प्रोडक्ट लेना, यही होने वाला है. कंज्यूमर कैन परचेस प्रोडक्ट ऑनलाइन, कंपनी डिलीवर कर सकता है, और पिकअप फ्रॉम नियरेस्ट पिकअप पॉइंट हमारे सिस्टम के हिसाब से, और ऑफलाइन डिलीवरी फिजिकली बाय डायरेक्ट सेलर. कुछ भी हो सकता है. तो हमारे सिस्टम में बहुत सारे चेंज नहीं है, अभी भी यही होता है. कंज्यूमर कैन बेनिफिट बाय एनरोलिंग हिमसेल्फ हरसेल्फ विद द रिस्पेक्टिव डायरेक्ट सेलर एज अ कंज्यूमर. तो कंज्यूमर को खुद को एक डायरेक्ट सेलर, उसका कंज्यूमर.
दूसरा डायरेक्ट सेलर उसका कंज्यूमर। बोर्ड प्लीज ऑन करना। तो इसमें कैसा होगा देखो, ये डायरेक्ट सेलर है, उसके कंज्यूमर 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 कंज्यूमर, इस प्रकार से ये नेटवर्क रहेगा। डायरेक्ट सेलर उसके कंज्यूमर, इसके ऊपर दूसरा डायरेक्ट सेलर, कंज्यूमर 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 कंज्यूमर, इसके यहां पे और एक डायरेक्ट सेलर, कंज्यूमर 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 कंज्यूमर। समझ में आ रहा है, क्लैरिटी आ रही है, आसान है। अभी तक प्रॉब्लम क्या होता था, अभी तक प्रॉब्लम क्या होता था, एक ही होता था, डायरेक्ट सेलर कंज्यूमर, डायरेक्ट सेलर, डायरेक्ट सेलर कंज्यूमर कंज्यूमर, इधर कंज्यूमर इधर डायरेक्ट सेलर इधर कंज्यूमर कंज्यूमर। अभी समझ में नहीं आता तो कौन किधर है। Now, 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 डायरेक्ट सेलर उसका कंज्यूमर, कंज्यूमर 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 कंज्यूमर। सिंपल, समझ रहे हो, फर्क समझ गए, इंप्लीमेंटेशन में टाइम नहीं जाएगा मुझे बोलना, क्लियर, वेरी गुड। बैक टू स्लाइड्स प्लीज। To enroll, they need to share below personal information. Consumer का कुछ information हमें लगेगा, क्यों? क्योंकि आपको protect करना, आपके consumer का list हमें चाहिए और हमारे consumer का list भी हमें चाहिए। Call center चाहिए क्या? चाहिए। Call center में question आया, हम ये select कर सकते हैं कि ये consumer है, ये consumer किसका है? Clear? उसका नाम चाहिए, उसका मोबाइल नंबर चाहिए, उसका मेल आईडी चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए, प्रोडक्ट डिलीवरी है तो दैट्स इट, उसका पैन जीएसटी आधार, हमें कुछ भी नहीं चाहिए कंज्यूमर का, उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए, नाम मोबाइल नंबर एड्रेस। देखो आप किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से प्रोडक्ट लेते हो, इतनी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, उतनी ही इंफॉर्मेशन हम कंज्यूमर के लिए। तो कंज्यूमर का फॉर्म कितना रहेगा, छोटा सा यूज, इतना सा, नाम डालना है, राइट, मोबाइल नंबर डालना है, ओके, ईमेल आईडी है तो, नहीं है नो प्रॉब्लम, एड्रेस ओके हो गया, उसका ना बैंक चाहिए ना। अभी प्रॉब्लम क्या होता, अभी अपना कोई पता नहीं है, वो कंज्यूमर आया है, वो डायरेक्ट सेलर बनेगा नहीं बनेगा, मुझे पैन दे आधार दे, ये तो वो बोलता था अरे ये मैं क्यों दूं, मैं तो प्रोडक्ट लेने के लिए आया। अरे हाँ के ना, क्योंकि उसका इंटेंशन बिजनेस था क्या, हम ही उसके पीछे लगते थे, तुझे मैं करोड़पति बना के ही छोड़ूंगा, आप ही मत बना, समझ रहे हो क्या, कंज्यूमर कंज्यूमर रहेगा, उसका कुछ भी नहीं चाहिए हमें। आगे चलते हैं, फीचर्स ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन से लॉग रिसीव हिज लॉगिन क्रेडेंशियल्स। देखो कंज्यूमर का भी खुद का छोटा सा लॉगिन होगा, जैसे किसी भी ऑनलाइन पोर्टल में आप जाते हो प्रोडक्ट खरीदी करते हो, आपका भी लॉगिन एंड पासवर्ड रहता है, कंज्यूमर का भी होगा, राइट, कंज्यूमर क्या कर रहे हैं उससे, सो कंज्यूमर उससे फर्दर प्रोडक्ट परचेस कर सकता है। तो आपको क्या करना है, एक बार कंज्यूमर बन गया आपको बोलना है मोबाइल ऐप डाउनलोड कर ले, ये तेरा लॉगिन एंड पासवर्ड है, जब भी तुझे प्रोडक्ट लगते हैं ऑनलाइन मंगा ले, मुझे भी नोटिफिकेशन आएगा, टेक्नोलॉजी है, तुझे चाहिए तो मेल आके दूंगा, अगर तुझे बाय पोस्ट चाहिए तो कंपनी भेज देगी, नो प्रॉब्लम, कितनी अर्जेंसी है उस हिसाब से, राइट, तो इट इज इजी फॉर यू, प्लीज अंडरस्टैंड, समझ रहे हो, कंज्यूमर का इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट लेना है, ही कैन नॉट अर्न एनी इनकम, उसको कुछ भी इनकम मिलने वाला, उसको सिर्फ प्रोडक्ट मिले, क्लियर, बिकॉज दे विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ
डायरेक्ट सेल नेटवर्क, मैंने दिखाया आपको कैसे होगा। हाउ दिस लॉ बेनिफिशियल फॉर कंज्यूमर, द कंज्यूमर्स विल गेट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, उनको अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, राइट, दे विल नॉट गेट मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। देखो प्लान बेच के हम प्रोडक्ट नहीं बेचने वाले, उसको प्रलोभन देके, अलग अलग प्रलोभन देके हम प्रोडक्ट नहीं बेचने वाले, उसको प्रोडक्ट के फीचर बता के प्रोडक्ट बेचने वाले, समझ गए। तो कंज्यूमर चीटिंग नहीं होगा कंज्यूमर का, अच्छी बात है बुरी बात है, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं, नो प्रोडक्ट डंपिंग ऑन कंज्यूमर्स और इन्वेंटरी डंपिंग ऑन कंज्यूमर्स, कुछ डंपिंग में भी कुछ नहीं होने वाला कंज्यूमर को, क्योंकि उसको इतना जितना रिक्वायर्ड है उतना ही परचेस करेगा वो, क्योंकि डंप क्यों करते हैं, प्रलोभन देके, देख तू अगर इतना रिपर्चेस करेगा ना तो तेरा दुबई हो जाएगा, 2.75 का कर ले, मैंने दूसरे साइड से 2.75 कर लिया है, तू 2.75 करेगा तेरा दुबई हो जाएगा, ले। ये क्या हो गया, नॉट अलाउड। अब ये किसने करने के लिए बोला, किसी ने नहीं, तो हमने क्यों किया, हमें ये लगा हमारा भी टारगेट कंप्लीट हो जाए, अभी वैसा होने वाला नहीं है। हम छोटे छोटे टूल में भी करते हैं ऐसा, मतलब 30,000 एक साइड से कर लेते हैं, दूसरे साइड को उसको बोलते हैं 30,000 का कर, तेरा सुपर ट्रैक में आ गया, पहला रिकॉर्ड हो गया, वन डे का ट्रेनिंग दिया, होटल में मिला, 5-star होटल में आया, खाना खा, मजेदार, परफेक्ट। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, कंज्यूमर को कंज्यूमर ही रहेगा, कंज्यूमर को कुछ भी मिलने वाला सेम प्रोडक्ट मिलेगा, क्लियर। तो उसको अंदर मत लेके आओ, हम कम है लेकिन हम में बहुत दम है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में दम है, इसलिए कंज्यूमर हम कितने मिला सकते हैं, लाखों करोड़ों कंज्यूमर लेके आओ, नो प्रॉब्लम। अभी क्या हो गया, देखो इस बिजनेस की स्केलेबिलिटी देखो, अभी तक स्केलेबिलिटी कब आती थी, जब डायरेक्ट सेलर आता था, फास्ट ट्रैक करने वाले लोग आते थे, अच्छे लीडर आते थे, तो वो बिजनेस बढ़ता था। अभी बिजनेस कब बढ़ेगा, कंज्यूमर ज्यादा बढ़ेगा तो बिजनेस बढ़ेगा। अब ये स्केलेबल हो गया क्या, अब ये कितना बढ़ सकता है, मैं आपको बोलूं, इस साल जितना टर्नओवर करेंगे ना, अभी तक जितना हमने 9 महीने में टर्नओवर किया ना, उतना ही टर्नओवर हम 3 महीने में करेंगे, आप देख लो, क्योंकि ये स्केलेबल हो गया बिजनेस। स्केलेबल मतलब क्या, कितना भी बढ़ सकता है, नो लिमिट, क्लियर। आगे चलते हैं, कंज्यूमर्स विल गेट वैलिड वेरीफाइड क्रेडिट बैलेंस इंफॉर्मेशन, कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ही कैन एक्सपेक्ट गुड सर्विस फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, क्योंकि हर डायरेक्ट सेलर मैंडेटरी उसको सर्विस देगा ही देगा, उसकी ड्यूटी है वो देनी, राइट, तो उसको अच्छी सर्विस मिलेगी, तो कंज्यूमर सुखी हो गया क्या, हो गया। तो डायरेक्ट सेलर से प्रोडक्ट लेने के बाद कंज्यूमर सुखी होने वाला है क्या, 100% होने वाला है। तो ये लॉ समझ गया, किसके लिए लॉ है, 3 एंटिटीज है, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी कंपनी, दूसरा डायरेक्ट सेलर आप सब लोग, तीसरा बेनिफिट किसको देना है, कंज्यूमर को पहला, उसके बाद डायरेक्ट सेलर को, उसके बाद कंपनी को। तो सबसे पहले कंज्यूमर, उसके बाद आप खुद, आप सब लोग डायरेक्ट सेलर, और लास्ट में कंपनी। समझ में आ रहा है, तो चलो ये इसी पे हम यहां पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ये आपका लंच ब्रेक होगा, अभी 2 बज गए हैं, मुझे पता है आपको